इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो बैठक है वो लगातार जारी है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने दिशा निर्देश जारी किए, मंत्रियों को विवादित स्टेटमेंट से बचने के निर्देश दिए गए हैं। ये मंत्रिपरिषद की बैठक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पूरा कैबिनेट यहाँ पर मौजूद, प्रधानमंत्री मोदी उसकी अध्यक्षता करते हुए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक जारी, बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने दिए दिशा निर्देश, मंत्रियों को विवादित स्टेटमेंट से बचने के निर्देश दिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, विवादित स्टेटमेंट मंत्री ना दे, ये दिशा निर्देश प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी किए गए हैं। यहाँ पर लेखा जोखा लेते हुए पूरी रिपोर्ट कार्ड इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में, आप राजनाथ सिंह को यहाँ पर देख रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति है, तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो इस मंत्रिपरिषद की बैठक का इस वक्त हिस्सा है। विवादित स्टेटमेंट से नेता बचे, ये निर्देश प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक लगातार जारी, अध्यक्ष से तस्वीरें मिल रही हैं, बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी का मनोबल यहां पर बढ़ाया, चूंकि आने वाले दिनों में अब 2 महीने से भी कम का वक्त लगभग बचा हुआ है, जब लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में मूल मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। अक्षय राय मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं। अक्षय, अंदर मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई हैं, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्या कुछ कहा गया? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी साथियों का उत्साह बढ़ाया है और ये साफ तौर पर कहा कि अब हम चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सभी को जनता के बीच में काम को लेकर के जाना है कि किस तरह से मोदी सरकार ने आपके कल्याण के लिए काम किया है। 2047 का विजन निश्चित से हमारे लिए बहुत मायने रखता है और उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक बार फिर से हम सत्ता में वापस आ रहे हैं, ये किसी को भी शक और गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और आप जनता के बीच में जाइए, जनता के हितों के लिए जो हमने काम किया है पिछले 10 साल में वो जनता को बताइए। जनता समझ भी रही है, विपक्ष को भी थोड़ा सा नसीहत प्रधानमंत्री ने दी है, ऐसी सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने विजन को मंत्रियों के सामने रखा है, उत्साह बढ़ाया है और उम्मीद जताई है कि एक बार फिर से हम सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मंत्रियों को कुछ दिशा निर्देशन भी दिए गए हैं, मंत्रियों को किस तरह से जनता के बीच में जाकर के अपनी बातें रखनी है, किस तरह से जनता को अपनी बातों में रखना है और उनको ये बताना है कि पिछली जो 70 साल में काम नहीं हुए वो 10 साल में मोदी सरकार ने अपना स्टेप बढ़ाया है। और जो आर्थिक उदारीकरण की बात रही है, आर्थिक नीतियां जो रही है वो किस तरह से लाभान्वित आम लोगों को कर रही हैं, ये सबको देखने में आ रहा है। किस तरह से भारत आर्थिक दृष्टिकोण से तेजी से आगे बढ़ रहा है, 5 जो ट्रिलियन इकोनॉमी की जो चर्चा लगातार की जा रही है, 5वें स्थान पर इस समय है और जल्द ही हम 2030 तक ये कोशिश सरकार की है कि तीसरे स्थान पर लाया जा सके और इसके लिए प्रयास सरकार कर रही है। चलिए ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।